हेलो फ्रेंड, टीजी न्यूज के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी सारे न्यू अपडेट के बारे में। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्वल स्टूडियो के बारे में, जहां आज मार्वल ने ब्राजील कॉमिक कॉन CCXP में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर रिलीज कर दिया। इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पे डालूंगा। चलिए न्यूज के बारे में बात करते हैं। वही स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी से ये मर्चेंडाइज पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें आप माइल्स मोरालेस को ब्लैक सूट में देख सकते हैं। मैंने ये सारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड किए हैं, अगर तुम चाहो तो विजिट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वही सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 मूवी का वल्चर का कॉस्ट्यूम रिवील हुआ। वही सोनी की अपकमिंग मूवी मैडम वेब से काफी सारे पिक्स निकल के सामने आए हैं, अगर तुम चाहो तो पुश करके देख सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देख सकते हो। वही बात करें मार्वल की, तो मार्वल एक नई डिज्नी सीरीज लेकर आ रहा है, पासेंगा द फर्स्ट ब्लैक पैंथर, और उसी से रिलेटेड काफी सारे पिक्स और कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के सामने आए हैं। आप चाहो तो पुश करके देख सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देख सकते हो। वही बात करें मार्वल की नेक्स्ट मूवी एंटमैन एंड द वॉक्स क्वांटमेनिया के बारे में, रूमर है कि इस मूवी में हमें यूजर का कैरेक्टर दिखने वाला है। कास्ट लिस्ट में विलियम जैक्सन का नाम बताया जा रहा है। अब ये बात कितनी सच्ची है वो तो ऑफिशियल ट्रेलर या फिर मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। यही इसी बीच जेम्स मैकएवॉय, जो मार्वल में यंग प्रोफेसर एक्स का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो मार्वल की सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिखेगी। वही एक ये भी है कि मार्वल नेक्स्ट प्रोजेक्ट आर्मर वॉर्स में अल्ट्रॉन का रिटर्न होगा। तो चलिए बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो डीसी मूवीज से रिलेटेड है। वही डीसी भी CCXP में हिस्सा ले रहा है और उसी से रिलेटेड फ्लैश मूवी का ये पोस्टर वायरल हो रहा है। अब ये तो कंफर्म है कि डीसी फ्लैश मूवी रिलीज करेगा। आई थिंक CCXP में डीसी फ्लैश का ट्रेलर रिलीज कर दे। आई थिंक इस मूवी में हमें एज्रा मिलर ही देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जहां पर जेम्स गन ने ये कहा है कि अब हम डीसी यूनिवर्स में मूवीज, टीवी शो और वीडियो गेम्स पे काम करेंगे। वही उन्होंने डीसी कॉमिक्स से ये पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अपलोड किया है। चलो जेम्स गन की बात हो ही रही है, उन्होंने कि ये एक ट्वीट पे ध्यान देते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे पोस्टो गोल्ड कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, शायद डीसी इस कैरेक्टर पे काम कर सकता है। वही डीसी की अपकमिंग सीरीज डूम पेट्रोल से ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। वही एक रूमर ये भी है, जो बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज पेंगुइन आने वाली, इसका नाम बदल के बॉस कर दिया गया है। आई होप आप पूरे अपडेट हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक डीजी न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।